सब गुड मॉर्निंग डियर लवली पीपल। वहाँ की भाई सुबह हो चुकी है, देख सकते हो व्यू साइड का गांव का। और अभी घर से आ गए खेतों तो पर, इधर गाय वगैरह फादर साहब जी ने बांध दिए। और ग्लोबल ब्लॉगिंग बहुत दिनों में भी शूट कर रहा हूँ मैं ब्लॉग, तो गेहूँ कितने ही बड़े हो चुके हैं अभी। और इधर को जो है मोटर चल रही है, रात को चलाई होगी भाई। ओह वैसे लज गया था, वहाँ पर कैन उलझी हुई है एक। इधर को देख लो थोड़ा, देखू और बाकी इधर क्लाउड देखो क्या ही मस्त हो रहे हैं भाई। वाह टू अमेजिंग। तो ये बंदी भी मस्त इनको चल रही हैं अभी। बाकी इधर है जम्पल भाई, गुआवा जो भी बोल लो उसका ट्री अभी मस्त लग रहा है इसमें। देख लो भाई, फोकस ना हो पा रहे हैं क्लियर एज लाइक दिस। और इधर के खेत में तो भाई सबसे पहले गेहूं की बुआई कर दी थी, तो देख सकते हो अभी गेहूं कितना ही बड़ा हो चुका है इसमें। तो ये बाकी इधर सब में छोटे छोटा है अभी। कभी स्टे करो यार गांव में भाई, कितना सुहाना लगता है। मैं तो जन्म से ही गांव में रहता हूँ, फिर भी मन करता है कि बस भाई हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पर, पता नहीं क्या बात है। और इसी को कहते हैं खुशी, क्योंकि भाई आप जहाँ हो ना वहाँ उस चीज़ में खुश हो ना, तो हर चीज़ लाइफ में खुश है मेरे हिसाब से। तो वरना दुनिया में तो चाहते बहुत होती हैं, और इसको आप एडजस्टमेंट का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि भाई ये दिल से खुशी देती है। एडजस्टमेंट वो होता है जो आप मजबूरी में कर लेते हैं। बाकी देखो ना यार माहौल ही क्या है इधर मस्त। इधर से मोटर चल रहा है भाई, पाइपलाइन बिछ रही उधर जा रही है। और वहाँ की गेहूँ इस खेत के देखो, ये मामा जी उधर झोंपड़े को देखो क्या ही हाल हो चुका है उसका। बाकी किसी भी जगह की एक सच्चाई है कि कोई भी चीज़ अच्छी तभी होती है जब इंसान फ्री होता है, उस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है। बाकी वरना जब काम होते हैं ज़्यादा, काम का स्ट्रेस होता है, तो भाई सब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं उनके लिए, भले वो पहाड़ों में रहे या बर्फ़ में रहे या गाँव में खेतों में शहरों में रहे। किसी का ड्रीम सिटी नाइट होता है, तो किसी का ब्लेस का डे होता है, और उस चीज़ को वो एंजॉय नहीं कर पाता जहाँ रहता है, क्योंकि वही बात है भाई स्ट्रेस वर्क का। सो चलो जहाँ हो जैसे हो अपने प्लेस को ही भाई सही समझना चाहिए, एंजॉयमेंट के साथ उसी में जीना चाहिए। बाकी ज़्यादा ज्ञान पेल रहा हूँ मैं। सो चलो इधर मेथी उब रही है, उधर मटर है, इधर बैगन है, इधर ये है। देखो ब्रो जा रहा है अपना, अपना एक भाई निकल गया उधर, वही जो देखते होगे अक्सर। अभी तो भाई ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है, बस सिर्फ इस पर देखो गौर से तो टेलियन स्विनेस का पानी की बूंदें कैसी पड़ी हैं। इस पर बर्फ जम जाती है अभी, बिल्कुल ब्लैक कलर की कर देती है इसको। और फिर हाथों का जो हाल होता है ना इसको काटने में, बाजार ले जाने में सुबह ही, तो भाई समझ ही लो आप। बाकी इससे तो कई लोग भाग जाते हैं, खासकर मधु में। सो खाते रहते हैं यहाँ पर कच्ची ही, अपन भी
बाकी चलो भाई, अंदर घुसना पड़ रहा है क्योंकि पानी सही जगह पर नहीं पास हो रहा है। बाकी भाई कितने बढ़िया, ये हमारे साथ ही खड़े हैं भाई। सोचो कुछ लोग इनको चिड़ी खाने में देखने जाते हैं। चलो यही बच गया था, एक थोड़ा उधर बच रहा है, अब चला जाएगा आराम से। थोड़ा उधर भी है यार, उसके लिए भी कर देते हैं, पानी नहीं पहुंच पाता। तो इधर धनिया मच जाएगा तो फादर साहब अपनी गार्ड लगा देंगे। डोंट स्टक यार। चलो वो तो फिल हो गया, बस यही बच रहा है। सर चलो ये सब तो हो जाएगा कम्प्लीट। बाकी अभी अंदर घुस ही गया तो उसको और फेर ही देता हूँ भाई। बाकी भाई यहाँ पर पानी की सिंचाई करने को पानी फेरना बोलते हैं हम, जैसे कि आप कहते हो ना, करे कराए पर पानी फेर दिया, तो यही है वो, पानी ढोल दिया, फेर दिया। चलो अभी यहाँ से उधर जा रहा है, उधर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं घुसकर, उधर से पानी आ रहा है। अभी इधर 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 को करता हूँ, ये सूखा बच रहा है भाई, इसको फोड़ेंगे यहाँ से, इसको बंद कर देंगे, इधर चला जाएगा और वो फिल हो जाएगा। जिसके बाद ये सूखा बचा है, इसको फिल करना है। देखो बच्चे आ रहे हैं कोचिंग पढ़ कर, ये फिल हो जाएगा। वहाँ की चप्पल उधर से उठा कर लाते हैं, और इसी पानी में भाई नंगे पैर रहना पड़ता है, तो इसकी बैड बात ये है कि बिच्छू वगैरह भी काट लेते हैं कभी कभी लोगों को। बाकी गणेश भाई साहब जैविक खाद लेकर आ चुके हैं, देख लो उधर। अब इसमें यूरिया खाद डालना है भाई। बाकी अपन पैर धोते हैं अभी, इधर कपड़े भी खराब हो गए हैं, धोते हैं इस खट्टे में। भाई साहब को, भाई साहब बिल्कुल गेहूं में से निकल रहे हैं इनका तो, पहले यहीं से रास्ता था, भाई को आदत पड़ रही है। लेकिन उधर से भी गेहूँ उगाए हैं तो इधर से रास्ता बना लिया, पर भाई को उधर की आदत लगी हुई है ना। आदत से हर कोई परेशान है भाई, इंसान है, जानवर है, कोई भी चीज़ हो। सो चलो गाय वगैरह इधर चल रही है, इनको छोड़कर भगा दिया। ये किधर गई यार, ये रहा, ये चुका रहा है भाई। चलो दूध देना तो बंद कर दिया, लेकिन भाई साहब को दूध अभी भी पिलाती हैं गऊ माता जी। और वहाँ की मुझे ले जाना है पाइप, अभी उधर जोड़ना है, तो उधर ऊपर पानी भी ले जाना है। सो दैट्स व्हाई अभी चलो चलते हैं। ब्लॉग लंबा क्यों कर रहे हैं। सो भाई रात का ये भी टाइम है, देख लो रात का 9 बज रहा है, और खेतों पर पानी की सिंचाई फसलों को देने के लिए आए हैं, और लाइट आई नहीं है, ठंड इतनी ऊपर से पड़ रही है। बाकी वो चला कर सकता हूँ टॉर्च से, लेकिन रहन देता हूँ, क्या ही है, चलो यही बताना। बाकी किसान की लाइफ यही होती है भाई, देख लो आपने नहीं देखी हो कभी तो, ठंड पड़ रही है मस्त वाली,
और भाई चलो लाइट का इंतज़ार करते, बाकी अभी रेगुलर आ रहा हूँ मैं कुछ दिनों से, जबकि कल तो मैं यहाँ से गया था, रात के 11:30 बज रहा था, वहाँ की दादाजी उस ऊपर वाले खेत पर जाते हैं, तो भाई सॉरी यार जो कुछ भी चल रहा है, मैं नहीं पहुँचाना चाहता उनको, लेकिन फिर भी मेरी भी मजबूरियाँ हैं कुछ, और कभी कभी तो उनका तो ऐसा होता है कि भाई रात का जैसे सुबह के जैसे लाइट तो टाइम होता है रात के 8 से ये की लेकर उधर सुबह तक ही, बाकी दिन में बिल्कुल नहीं आती है, एक हफ्ते दिन में आती है, एक हफ्ते पूरी रात में आती है बस रेगुलर टाइम टू टाइम, बट आज नहीं आई है, बाकी पूरी पूरी रात भाई पानी चलाना पड़ता है, तब जाकर खाने को खाना यानी दाना अनाज मिलता है भाई, इतना आसान मत समझना आप अगर समझते हो तो। हाँ मेहनत हर चीज़ में लगती है, लेकिन भाई कोई नहीं, चलो बाय मिलते हैं सुबह। सोचा कि हर इंसान इस चीज़ को नहीं जानता होगा, नहीं रिलेट कर पाता होगा, तो भाई अगर शहरों में रहते हो, आपने ऐसी लाइफ नहीं जी हो, तो मैं दिखा देता हूँ, देखो गांव की लाइट दिख रही है, ये मेरा हाथ है जो कि बार बार वो कर रहा है ना, चलो। बाकी भाई ठंडी हवाएं और चल रही हैं और लाइट अलग से नहीं आ रही है, तो अभी तापने का व्यवस्था लगाते हैं। चलो मेरी स्टोरेज भी फुल हो गई, बाकी ब्लॉगिंग आजकल स्टोरेज की वजह से नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बड़ा परेशान हूँ लाइफ में, आपको क्या ही सुनाऊँ, परेशानी सुनाना नहीं चाहता मैं किसी को, बस आप मोटिवेट हो बस यही चाहता हूँ मैं तो, डिमोटिवेट मेरी कहानी से ना ही हो तो बेटर है, चलो बाय। तो भाई हालात देख सकते हो, अभी ऊपर से नीचे तक, बाकी इधर देखा जाए तो ये यहाँ से पानी जा रहा है, अभी अभी तो थोड़ा ही भरा हुआ है उधर तक वो, बाकी भाई रात के 11 से भी ज़्यादा 11:15 हो रहा है, सो अभी तो बहुत सारा बच रहा है, पर देखते हैं कुछ थोड़ा और टाइम लगेगा जिसके बाद निकलते हैं, अभी ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, बाकी चलो कोई नहीं यार। पर मैं एक चीज़ सोच रहा था भाई कि जिनके पास सारा मोबाइल नहीं होता होगा वो क्या करते होंगे, पता ही नहीं। समझ रहे हो ना, क्योंकि अपन तो टाइम पास कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन में, बहुत सारे काम है अपने, बाकी उनको तो मोबाइल फ़ोन नहीं होता, बस लगे रहते हैं कैसे क्या कुछ करते होंगे, डोंट नो भाई। बाकी भाई ऐसा कोई मतलब नहीं है मेरा ये कोई शौक ऐस करने का, बस एक किसान की लाइफ आपको दिखा रहा हूँ, एक पार्ट ये भी होता है उसमें, बाकी दिखाने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है ना देखना, सो चलो बाय। और बाकी लाइट आ गई थी 9 बजे से आई, टाइम था 8 का, 9 से आई, तो भाई देखते हैं अभी कितना घंटा 1.5 2 जितना रुकना पड़ता है, देखते हैं अभी।